शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के कॉटन मार्केट परिसर के दलाल ओली में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई है। आग बड़ी भीषण होने के कारण आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 7 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद थी। धूप के कारण आग लगने का अंदेशा दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी द्वारा बताया गया है। शहर के कॉटन मार्केट परिसर के दलालोली में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई, जिसमें व्यापारी दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ आग लगने से दुकानें जली है। सब्जी व फ्रूट मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष शेख हुसैन द्वारा मार्केट की असुविधाओं का भी जिक्र इस समय किया गया। कई बार इस परिसर में आग लगने की घटनाएं हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की उपाय योजना नहीं की जा रही है, ऐसा शेख हुसैन द्वारा बताया गया। मैं यहाँ मार्केट सब्जी मार्केट फूड मार्केट का एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारा मार्केट 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। मैं उसी के सिलसिले में हम धंतोली जोन के अंदर में मोरो ने साहब के साथ बात कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ का मार्केट शुरू करो और आपने जो एक दिन दिया है वो नहीं होता, 3-3 दिन मिलना चाहिए। उसी में ही खबर आई हमारा ये आज ये मार्केट जो है ये 80 साल पुराना मार्केट है। हम इसको बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कंटेम भी हुई म्यूनसिपल कमिश्नर के ऊपर में, लेकिन हम 6 महीने आज 6-8 साल से जो बनाने की बात कर रहे हैं, प्लान बना हुआ सब कुछ हो रहा है। और आग लगने का कारण क्या हो सकता है? ये आग लगने का कारण तो अभी मैं तुरंत यह बता नहीं सकता, लेकिन पूरा मार्केट बंद है। हमारे लिए कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है 21 बजे लगी है, लेकिन एनएमसी की लापरवाही की वजह से ये जो मार्केट बनाने नहीं देते। हाँ, नहीं ये कच्चा माल है या कच्चा रहता है, कोई भी चीज से अगर अंगार लग गई तो 1 मिनट के अंदर में टाइम पे फूल सब गाड़ी आ गई करके अच्छा हो गया, नहीं तो पूरा मार्केट इन्होंने हमारा सब्जी मार्केट का पूरा प्लान बनाया हुआ है, पैसे भरे हुए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आर्डर हुए है, कंटेम्प की केस हुई है, लेकिन ये महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से ये जो बनाने की परमिशन नहीं देते, इसलिए हर साल साल दो साल में एक बार अंगार लगती है और लाखों रुपए का करोड़ों का नुकसान होता है। कितनी दुकानें जलकर खाक हुई? अभी 40 से 45 दुकानें अभी उसका अंदर है। जो हमारे हिसाब किताब की डायरी है वो भी पूरी जल चुकी है, अभी कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे। तो ये आग कैसे लगी, क्या लगी, अभी तक के तो हमको कुछ भी कन्फर्म मालूम नहीं है। दुकान में कम से कम 150 कैरेट थी और जो हमारी उधारी हिसाब की सब पूरी डायरी थे पूरी खाक हो गई है। कम से कम 20,000 रुपये हमारे थे दुकान के अंदर में, अलमारी के अंदर में, वो भी पूरे जल चुके होंगे अभी पूरे। और माल वाल तो कुछ था नहीं, अभी मार्केट बंद था, कम से कम ज्यादा नहीं 1000-2000 रुपये का माल होगा। दमकल विभाग की मुख्य अधिकारी द्वारा आग लगने का कारण खुली जगह पर कचरा और उस पे तपती कड़ी धूप बताया गया है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है वो 4:15 बजे मिली है और टोटल 7 गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही है और लगभग 20 के आसपास दुकान क्षतिग्रस्त हुए। क्या बताओगे कितना मतलब ये आग जो है किस वजह से लगी होगी? एक कड़ी धूप चल रही है और भीषण आग है, 7 गाड़ियां दमकल विभाग की आई है। जैसे कि ये फ्रूट मार्केट है जहाँ पर ड्राई ग्रास वगैरह यूज होती है या डंपिंग यार्ड है या तो फिर स्क्रैप यार्ड्स है, तो ऐसे जो ओपन स्पेसेस है जहाँ पर सीधी धूप गिरती है वहाँ पर ऐसे आग की संभावना ज्यादा होती है मई के महीने। कॉटन मार्केट परिसर में आम दिनों लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मार्केट बंद होने से बड़ा हादसा होते होते टला है। कई बार इस परिसर में आग लगने की घटनाएं होती है। अब प्रशासन अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया कब छोड़ती है और इस समस्या का हल निकालती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी हम फिलहाल शहर का कॉटन मार्केट जो परिसर है वहाँ खड़े हैं। हम मेरे पीछे आप देख पा रहे हो भीषण ऐसी आग जो है यहाँ पे लगी है। कॉटन मार्केट का ये परिसर है, सब्जी मंडी का ये परिसर है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि बहुत ही बड़ी आग जो है ये लगी है। इसका आग लगने का पता लेकिन अभी तक कारण क्या है ये पता नहीं चल पाया है। दमकल की कई गाड़ियाँ यहाँ आई है और आग बुझाने का कार्य जो इनका चल रहा है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि अभी तक ये बुझ नहीं पाई है। करीबन आधा घंटा हुआ है ये यहाँ आग लगी है और काफ़ी सारे दुकानें जो है जलकर खाक हुए हैं।
आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये दुकानों का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियां अभी भी आग को काबू करने में लगी हुई हैं। बड़ी मात्रा में जो है यहाँ दुकानें थी और विविध दुकानें थी, अलग अलग इसकी दुकानें थी, सभी जलकर खाक हो चुकी है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।